दोस्तों आप देख रहे हैं TVS Jupiter Classic के नए मॉडल को। इसमें कुछ नई अपडेट हुई हैं जिनके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। ये मॉडल 2022 लास्ट या आप ये कह सकते हैं कि ये 2023 का मॉडल है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई इसके अपडेट के बारे में। इसके लिए मैं कैमरे को वाइड एंगल पर करूँगा और सबसे पहले आपको इसका मॉडल और डिज़ाइन दिखाऊँगा। तो अब आप देख सकते हैं इसमें ये नया कलर आया हुआ है और इसका नाम मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मिस्टिक ग्रे, ये नया कलर आया हुआ है। तो सबसे पहले आप इस स्कूटर को पीछे से देखेंगे, डिज़ाइन वही है लेकिन इसमें आपको नया टेस्ट मिलने लगा है इसके कलर की वजह से, जो कि ग्रे कलर है। और यहाँ पर आप देखेंगे जुपिटर इसमें 3D में लिखा हुआ है और क्लासिक भी नीचे लिखा हुआ है। मैं आपको साइड से दिखाना चाहूँगा इस स्कूटर को। मिस्टिक ग्रे कलर में ये स्कूटर आता है जिसमें आपको ये नए स्टिकर यहाँ पर मिल रहे हैं, जिससे ये स्कूटर देखने में थोड़ा सा ज़्यादा आपको प्रीमियम लगेगा क्योंकि यहाँ पर आपको येलो स्टिकर भी मिल रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे CVTi BS6। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ड्यूल टोन मिलेगा, जैसे कि ये ग्रे कलर में स्कूटर है। साथ में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हल्की सी मैरून कलर में आपको सीट मिल जाती है और पीछे आपको बैकरेस्ट मिलते हैं, वो भी फॉर्म वाले, जैसे कुछ में होते हैं जो सिंगल सिर्फ रॉड वाले रहते हैं, लेकिन इसमें आपको फॉर्म भी मिल जाता है, जिससे अगर कोई पिलियन इस पर बैठते हैं तो टेक लगाने पर उनको बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी और आराम इसमें उनको मिलने वाला है। मैं आपको फ्रंट से दिखाना चाहूँगा और आप देखेंगे ये है जुपिटर क्लासिक। अब ये क्लासिक क्यों है? क्योंकि इसमें प्रीमियमनेस का थोड़ा सा ज़्यादा फील देने के लिए इसको ध्यान दिया गया है। जैसे कि आप देखेंगे इसमें आपको आगे बड़ा सा एक विंड स्क्रीन मिलती है और यहाँ पर TVS का 3D लोगो मिलता है। 5 मिलियन प्लस जुपिटर ये गोल्डन में है, जैसे कि ग्रे पर गोल्डन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे डायमंड कट एलॉय व्हील इसमें आपको मिल रहे हैं, 220mm के डिस्क ब्रेक मिल रही है और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहा है और इसके साथ साथ यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल रहा है। और प्रीमियम जैसे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगे इसलिए यहाँ पर आगे विडिंग भी दी हुई है। यहाँ पर आपको एक पार्ट दिया गया है जो कि ब्लैक, वो भी शाइनिंग ब्लैक में दिया गया है, जिससे स्कूटर देखने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगे। साथ में इसमें आपको फुली LED लाइट का सेटअप मिल जाता है और इसमें आपको ब्लैक मिरर मिल रहे हैं। तो जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये ग्रे कलर में यहाँ पर ब्लैक मिरर, ये कैसे लग रहे हैं आप लोग अपनी राय जरूर दें। और जो स्टिकर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं इसके नोज पर, वही स्टिकर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं और इस पर क्लासिक लिखा हुआ है। और इसमें जो पेच लगाए गए हैं अगर आप इनको देखेंगे तो ये भी एलंकी वाले पेच है जो कि देखने में अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको इसके मीटर का डिज़ाइन दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आप इसके डैशबोर्ड को देखेंगे, इधर से मैं दिखा दूँ, और इसमें जैसे बाहर से एक्सटर्नल फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है, जिससे कि आप स्कूटर पर बैठे बैठे ही इसमें पेट्रोल भरवा सकते हैं। ये सुविधा इसमें पहले से ही मिल रही है और यहाँ से ये खुल जाएगा, वो मैं अभी आपको खोल कर दिखाऊँगा। पीछे आप देखेंगे जुपिटर जिसमें वाइट से लिखा हुआ है और पीछे उसका बैकग्राउंड आपको ब्लैक मिलता है। अब आप देखेंगे इसके डैशबोर्ड एरिया को, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है क्योंकि जैसे ग्रे कलर इसके बॉडी का टोन जो है वो ग्रे है और बाकी आप यहाँ पर देखेंगे तो हल्का सा मैरून और जो कि मैट कलर में है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसमें भी आप देखेंगे जैसे यहाँ पर रेड कलर की आपको बटन मिल रही है, यहाँ पर आपको येलो कलर की बटन मिल रही है और यहाँ पर आप देखेंगे इंडिकेटर की स्विच, मैं इसको वाइड एंगल को हटा लेता हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको इंडिकेटर की हाई बीम लो बीम, और यहीं से आप इसको पास जैसे जो आप पास करते हैं वो भी कर सकते हैं। और इको और पावर मोड की जैसे लाइट मिल जाती है, इससे सुविधा ये होती है कि जब आप अपने स्कूटर को चला रहे होते हैं तो उस समय आप अगर इको मोड पर चलाएंगे तो आपके स्कूटर में ज़्यादा माइलेज मिलेगी, और अगर आप पावर मोड में चलाएंगे तो पावर तो मिलेगी लेकिन थोड़ी सी माइलेज कम होगी। तो जब आप इसको चला रहे होंगे और ये इंडिकेट करेगा तो उस समय आप उसको पावर मोड से इको मोड में कर लेंगे, तो इससे ये थोड़ी सी सुविधा इसमें हो जाती है। और पूरा आपको क्लासिक लुक में ही इसका मीटर दिया गया है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी इसमें क्लासिक लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको फ्यूल मीटर मिलता है। और जैसे मैं इसको ऑन कर दूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लाइट ऑन हो चुकी है, फ़िलहाल हेडलाइट ऑन नहीं हुई है। स्विच ऑन करने पर आप देखेंगे इसमें यहाँ पर लाइट ऑन है जहाँ पर इको, और ये आपको फ्यूल लो फ्यूल वार्निंग मिल रही है, हाई बीम इंडिकेटर, और यहाँ पर आपको ये फ्यूल मीटर मिल रहा है, इंजन चेक लाइट और साइड स्टैंड गिराओ भाई जरा राहुल, यहाँ पर ये साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच भी मिलती है और साथ उसका इंडिकेटर भी मिल रहा है, और इसमें बजर भी लगा हुआ है जिससे वो आवाज़ कर सके। यहाँ पर आपको 3 किलो सामान या 2.5 किलो कितना लिखा हुआ है मैक्सिमम पढ़ के बताओ जरा, देख 3 किलो। और यहाँ पर आपको जैसे ये ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसमें आप यहाँ पर जैसे मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिलती है और यहाँ से आप मोबाइल चार्ज लगाकर और यहाँ पर रख सकते हैं, तो ये भी सुविधा इस स्कूटर में आपको मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए
तो इस स्कूटर को जैसे अगर आप नॉर्मल जुपिटर लेते हैं और इसको लेते हैं तो इसमें थोड़ा सा ये स्कूटर आपको ज़्यादा प्रीमियम फील देगा, क्योंकि उसी हिसाब से इसका लुक बनाया गया है और उसी हिसाब से इसके स्टिकर को डिज़ाइन किया गया है। और इधर भी आप इसमें कुछ भी सामान टांग सकते हैं, लगभग नहीं कन्फर्म 3 kg तक, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकेंगे ये है फुटरेस्ट, ये इसके फुटरेस्ट का डिज़ाइन है और बाकी इसके साइलेंसर के ऊपर हर जगह आपको कवर मिल जाती है। जरा भाई सीट खोलो, यहाँ पर आप देखेंगे ये है इसकी सीट का डिज़ाइन, यहाँ पर चेसिस नंबर लिखा होता है और यहाँ पर OBD स्कैनर है, मतलब इससे आपको कोई काम नहीं है, जब आप सर्विस में आएंगे तो फिर ये चीज़ वहाँ पर स्कैन की जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है, तो ये आपके लिए नहीं है। बाकी आप इसमें कोई भी सामान रख सकते हैं और बाकी यहाँ पर TVS की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। और भाई जरा एक्सटर्नल फ्यूल टैंक को मैं खोल के दिखाऊंगा। अच्छा जी, लॉक हो गया। और अब आप देखेंगे यहाँ पर ये पेट्रोल टैंक खुल गया, जरा बंद करके खोलो ज़रा, ऐसे नहीं भाई, उसको फिर से ये आप देख सकते हैं, ऐसे आप उस पर बैठे बैठे इसमें पेट्रोल फिल करवा सकते हैं, तो जो कि अच्छी बात है। बंद कर दो इसको। और यहाँ पर इंजन किल की स्विच मिलती है और मैं पहले आपको इसको स्टार्ट करके और इसका साउंड सुना दूँ, एक मिनट। हाँ राहुल, अब सुनाओ इसको। वहाँ लगा एक मिनट। अब इसकी हेडलाइट आप देख सकते हैं कि ये कैसी लग रही है, ये फुली LED लाइट है। ज़रा एक मिनट मैं बैक लाइट दिखा दूं और इंडिकेटर ऑन करो, इंडिकेटर दोनों इधर भी। तो ये है इंडिकेटर और ये है इसका डिज़ाइन बस। और अब मैं आपको इसके टायर दिखाता हूं। यहां पर आप देख 90-90-12 का इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें आपको 12 इंच के एलॉय व्हील मिलते हैं, वो भी डायमंड कट एलॉय व्हील मिलते हैं। और मीटर चलाने का सिस्टम जो है वो इसमें यहाँ से दिया गया है, यहाँ पर इसमें वायर गई हुई है और इससे ये इसमें ब्रेक लगेगी। और नहीं भाई, मीटर चलेगा। और 220 mm की डिस्क ब्रेक है, वो भी SBT टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब कि दोनों ब्रेक एक साथ लगेंगी। जब आप पीछे की ब्रेक दबाएंगे तो उसके साथ साथ आगे की भी ब्रेक लग जाएगी। पीछे वाला टायर दिखाओ राहुल ज़रा, यहाँ पर साइज निकालो इसका, ये आप देख सकते हैं 90-90-12 का। तो मतलब आगे और पीछे आपको 12 इंच के एलॉय व्हील मिलते हैं, जिससे जब आप राइड करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पीछे भी अगर आप देखेंगे तो डायमंड कट एलॉय व्हील दिए गए हैं, जिससे कि स्कूटर देखने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम फील दे सके। उधर से मुझे जाने दो ज़रा, और इधर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, किक तो इसमें मिलती ही है और ये इंजन पहले से ही आ रहा है। और 109.7 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें आपको 7.37 hp की पावर मिलती है 7000 rpm पर और 8.4 Nm की टॉर्क मिलती है 5500 rpm पर। और राहुल भाई ज़रा इस पर बैठ कर दिखाओ, ज़रा देखें कि ये सीट हाइट, और स्टैंड से उतार लेना। और इसकी सीट हाइट है 765 mm, पैर सही पहुँच रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ग्राउंड क्लियरेंस इसका 150 mm, वजन है मात्र इसका 109 kg और पेट्रोल टैंक इसमें 5 लीटर का लगाया गया है। तो कोई दिक्कत, सही है, खरीदें। और बिल बेस है इसका 1275 mm। हाँ, अब आते हैं हम मेन टॉपिक, इसके प्राइस की तरफ। तो अगर आप इस स्कूटर को अयोध्या उत्तर प्रदेश में ख़रीदना चाहते हैं तो ये स्कूटर उपलब्ध है सरदार TVS अयोध्या उत्तर प्रदेश नियर बस स्टैंड के पास। आप यहां पर TVS की किसी भी बाइक या स्कूटर को खरीद सकते हैं और यहां पर इसकी ऑन रोड प्राइस है लगभग 1,03,000 रुपये। और बाकी आप यहां पर आके कन्फर्म कर सकते हैं, ये है सरदार TVS। और माइलेज की हम बात करें दोस्तों, तो 45 से 50, लगभग आप 40 से 50 मान सकते हैं, लेकिन 45-50 आपको मिल जाएगी। अगर आप इकोनॉमी जोन में इसको चलाते हैं तो लगभग 45 से 50 तक की माइलेज मिल जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि 110 cc का ये इंजन है। और इसमें ETFI मिलता है, मतलब इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है, जिससे ये स्कूटर आपको माइलेज दे सकता है, क्योंकि ये 110 cc का स्कूटर है, वजन भी नहीं है और प्रीमियम लुक भी है दोस्तों। तो ये स्कूटर आपको कैसा लगा, आप लोग अपनी राय ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक चीज़ मैं दिखा दूं आपको, ये फीएम का आपको इसमें साइड व्यू मिरर मिल जाता है, वो भी ब्लैक कलर का मिलता है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए नहीं, एक चीज़ भूल गए भाई, चाबी दिखा दूँ। 1,04,000 रुपये की ये चाबी है, ये है TVS जुपिटर, जो कि अब ये चाबी पे थोड़ा सा टेक्सचर फिनिश आपको मिल रहा है। तो ये स्कूटर कैसा लगा अपनी राय दें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।